हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशी वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी चल रहा है कर्फ्यू का टाइम, और कर्फ्यू के टाइम पे अगर कुछ मीठा खाने की इच्छा हो और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आपके पास ना हो, तो आज मैं आपके लिए ऐसी एक रेसिपी लेके आई हूँ जो आप बहुत ही इजीली बना के तैयार कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। तो ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस है, प्लस इसके अंदर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए देखते हैं रेसिपी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, शाही टुकड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन रख दिया है गैस पे। इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। अब आप चाहें तो आप ज़्यादा ऑयल का यूज़ करके इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं ब्रेड को। मैं यहाँ शैलो फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल मैं वेस्ट नहीं करना चाहती इस टाइम पर। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में काट लिया है ब्रेड को, और इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे आप फ्राई कीजिए, और इसका गोल्डन कलर आने तक हम इसको एक तरफ फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक तरफ इसको फ्राई कर लिया है, पलट के दूसरी तरफ भी इसको हम फ्राई कर लेंगे। देखिए कलर कितना प्यारा आया है। आप चाहे तो फ्रेंड्स इन ब्रेड्स को बेक भी कर सकते हैं, क्रिस्पी कुरकुरा होने तक बेक कर लीजिए। नहीं तो फिर आप इनको टोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड टोस्टर है तो आप उसके अंदर टोस्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छा गोल्डन कलर आने तक आप इनको टोस्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी कलर आ गया है, इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम ब्राउन नहीं करेंगे इनको। यहाँ पे चलिए अभी हम चाशनी बना लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए आधा कटोरी के करीब पानी लिया है। कोई भी आप घर में अवेलेबल कटोरी ले सकते हैं, और आधा कटोरी ही चीनी ली है। तो जितना पानी लेना है उतनी ही चीनी लेनी है, बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी लेनी है। इसके अंदर मैंने एक छोटी इलायची डाल दी है इस तरीके से तोड़ के। अब इसको हम बॉईल होने देंगे। तो ये देखिए मीडियम आंच पे मैंने इसको बॉईल कर लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा केसर डाल रही हूँ। आपके पास अगर अवेलेबल ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं आप इसको, वैसे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मैंने इसको बस 2 से 3 मिनट बॉईल किया है, जब तक कि ये जो हमारी चीनी है ये पानी के अंदर अच्छे से घुल नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जो चाशनी है उसकी हमें तार नहीं बनानी है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए हमारी चाशनी तैयार है बिल्कुल ही अच्छे तरीके से। तो गैस को हम बंद कर देंगे, और अब गर्मा गर्म चाशनी के अंदर हम ब्रेड को डिप करेंगे। और बहुत ज़्यादा देर तक डिप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा देर इसके अंदर छोड़ देंगे गर्म चाशनी के अंदर ब्रेड को, तो आपकी ब्रेड सॉगी हो जाएगी और वो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। बस इस तरीके से आप एक बार डिप करेंगे और उसको फटाफट से निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से अंदर तक चाशनी भर जाती है, डोंट वरी। तो इस तरीके से बस मैं डिप करके निकालती जाऊँगी, और ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। गर्मा गर्म खाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। वैसे तो फ्रेंड्स इसके अंदर रबड़ी भी बनाई जाती है, मैंने रबड़ी की रेसिपी ऑलरेडी डाल रखी है चैनल पे, और मैंने इसके पहले भी शाही टुकड़ा बनाया था, उसके अंदर मैंने रबड़ी भी बताई थी कैसे बनाएं इसके ऊपर जो लगाते हैं। लेकिन अभी चल रहा है कर्फ्यू टाइम, और काफ़ी लोगों के पास दूध अवेलेबल नहीं है, या ऐसे बहुत ज़्यादा सामान अवेलेबल नहीं है, उसके अंदर मावा वगैरह भी डलता है, तो मैंने इसलिए सिंपल यहाँ पर शाही टुकड़ा है जो वो बनाना सिखाया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको रबड़ी खानी है तो आप रबड़ी भी उसके ऊपर बना के लगा सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर कुछ भी मीठा खाने का मन करता है तो आप इसको झटपट से बना के और इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके अलावा और भी टेस्टी डिलीशियस रेसिपीज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट पर मैंने लिंक दी हैं, चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स, ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।